सुबह घर से भी सो के उठते हो तो उठ करके धरती माँ को प्रणाम करो उठते हुए उठ के धरती पे पाँव रखते जब चार पाई पे सो रहे के हो तो जब उठोगे तो धरती माँ को प्रणाम करो प्रणाम करके फिर बाहर निकलोगे नहाओगे धोगे फ्रेश होगे तो तुलसी पेड़ को जल चढ़ाओ सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ जर कोई कष्ट है दुख है तो गाय अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो गाय माता को गुड़ खिलाओ शनिवार और मंगलवार को शनिवार और मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाना ठीक है जो है आप लोग ऐसी कोई बात नहीं मैं जो हूँ आप लोगों को जो भी कुछ कहूँगा सही कहूँगा यार कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो मैं आपके साथ हूँ ऐसी कोई बात नहीं जो मेरे को मेरा अगर आपको कोई बात है कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर लेना फ़ोन नंबर लेना बात कर लेना पर मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है ठीक है मैं आपकी सेवा में चौबीस घंटे में हमेशा तैयार हूँ ठीक है और भगवान से ये प्रार्थना है आपको कोई मेरे मेरे होते हुए आपको कोई कष्ट नहीं होगा दुख नहीं होगा आप ठीक ठाक रहेंगे भगवान आपके साथ बनाए रखे आपके भगवान कर सी बात बनाए रखे ठीक है और जहाँ भी कहीं हो कोई दिक्कत है तो फ़ोन मेरे पे नंबर है फ़ोन कर लेना याद कर लेना मेरे को कहते हैं पिपलेसर महादेव बाबा का नाम है मेरे को पिपल वाले बाबा जी बोलते हैं मैं पिपल वाले बाबा के नाम से मुझे पुकारते हैं और मैंने आपको अपना खत भी दिखा दिया अपना मेरा खत आपने देख ही लिया कार्ड मेरा देख लिया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मैं ऐसा हूँ मेरा कोई आगे पीछे नहीं है मैं हूँ लव मेरा सब कुछ होते हुए भी, भी नहीं है होते भी, भी नहीं है पर लेकिन विश्वास किस पे जिसको जो भोले बाबा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं वो मैं उन उन्होंने मुझको ऊपर से भी मैं उतर के आया हुआ वाह चार कंधों पर से भी में उतर के आया ऊपर में देख के आया क्या क्या हो रहा है क्या कौन कौन है कैसे कैसे हैं क्या बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है पैर रखने की जगह नहीं है ऊपर जाम लगा पड़ा है रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी ऊपर इतनी फुर्सत ऊपर से भी धक्का मार दिया जाओ तुम अपनी सेवा में अपनी सेवा में जाओ वहाँ सेवा करो मैंने यहाँ के किटों की जान बचाई यहाँ के मैंने किटों की जान बचाई सांप थे नगर जो है जंगलात तो वाले को फ़ोन किया जंगलात तो वाले फ़ोन करके बुलाया भाई पीपल के पेड़ के नीचे इस पूर्ण स्कूल के पास महाराज जी बुला रहे हैं चरा आ जाओ यहाँ सांप निकल गए तो उनका बुला बुला के मैंने सांप बहुत सांप निकले चिड़िया चिड़िया की जान बचाई जो है कुत्ते होते हैं कुत्ते इनके डॉक्टर होते हैं अंग्रेज होते हैं तो उनको उनको बुलवाया भाई ये पंछी है ये पंछी बहुत बीमार है इसको भी ले जाओ दो चार दिन रखा उसमें मैंने उनको कहा इसको ले जाओ उसके लिए फिर वो बढ़िया सा पिंजरा लाए उसका सिंगार किया उसको रखा उन्होंने देखभाल करी उसकी तो उसको फिर मेरे को उनकी फोन में उसकी फ़ोटो ला दिखाई देखो पिंजरे के अंदर देखो वो बैठा है पंछी जो है खड़ा हुआ है देखो कितना अच्छा लग रहा मैंने कहा बहुत बढ़िया अच्छा है।, है और अभी कुछ दिनों वो खम्बा है मंदिर के सामने एक पेड़ है वो खंभा खम्बा बिजली का खम्बा है उसमें एक बिजली का डिब्बा है खाली खाली डिब्बा से लगा हुआ गत्ते का तो प्लास्टिक का डिब्बा है उसके अंदर ना चिप गलेरीरी रहती है कोई खुट खुट करती रहती है तो उसने बच्चे दिए थे एक बार तो एक का बच्चा तो मर गया होता तो दो तीन एक दो बच्चे बचे हैं और मैंने उनको दिए मैं वही अंग्रेज़ों को कुत्ते जो कुत्तों का इलाज करते हैं उनको दिए मतलब ये लो कुत्तों के बच्चे चिड़िया के बच्चे गिलेरी के बच्चे गिलेरी के बच्चे ले जाना और इसको कुत्ता भी दिया हुआ था मैंने उनको वो कुत्ते की टांग टूट गई थी तो उन्होंने कुत्ते दिन दो तीन दिन यहाँ पट्टी करी तो लोग भीड़ लगा लेते थे मेला लगाते थे मैंने कहा इनको यहाँ नहीं आप लेके चले जाओ तो वो वो भी लेके गए उन्होंने उसको वहाँ रखा और मल्लम पट्टी करी उसकी अब ये बच्चा मैंने यहाँ पे यहाँ पे अभी कुत्तों को दूध आता है सुबह दूध बंधा हुआ है आधा किलो दूध बंधा हुआ है कुत्तों का सुबह के टाइम कुत्ते दूध पीते हैं नाश्ता करते हैं ऐसी कोई बात नहीं कोई भी व्यक्ति कोई जानवर पशु मेरे दरबार पे रहता है भोले बाबा के तो जो है वो नाश्ता वास्ता करते रहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की परेशान नहीं है मैं ये कहता हूँ भगवान सबको मुझको आप दोगे तो मैं सबको बाँटूँगा आप दोगे तभी बाँटूँगा आप दोगे तो तभी सबको खिलाऊँगा ए बस मेरा यही कर्तव्य है कोई मेरे दर में आपके दरबार से कोई भूखा नहीं जाएगा कोई खाली नहीं जाएगा मेरी बस यही प्रार्थना है और जो है कोई भी व्यक्ति है कल शनिवार है शनिवार है कल आटा चावल ये वो सब कुछ चढ़ता है मैं नहीं रखता हूँ मैं हाथ हाथ बांट देता हूँ हाथ हाथ बांट देता हूँ मैं खाली हो जाता हूँ मैं कुछ नहीं रखता मेरे पास आटा चावल कुछ नहीं रखता मैं सब दे देता हूँ उसको दे दे उसको दे दे सबको बांट बांट के एकदम मैं अपने आप खा ले बस यह महीने में दो कंटर तेल जरूर जलता है अखंड जो होता है हमेशा जलती रहती है भगवान से ये प्रार्थना है भगवान जब तक मैं मैं ये चाहता हूँ जब तक मुझे तुमने रखा हुआ है सच्रम तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूँगा चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो चाहे किसी भी रूप में हो भगवान जब भगवान क्या पता किस रूप में आ जाए किसी संत के रूप में आ जाए किसी इंसान के रूप में आ जाए किसी जानवर के रूप में आ जाए किसी भगत के रूप में आ जाए कोई पता नहीं है क्योंकि हनुमान जी ने भी एक बार कोड़े का रूप बदला था तो किसी को पता है हनुमान जी ने कोड़े का रूप बदला है कई कई रूप बदल लेते हैं इंसान ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी भगवान से यही प्रार्थना है आप देखो अभी जो है राम जी राम जी की चर्चा चल रही थी है राम जी ने राम जी न, राम जी ने अपने राम जी को घर मिल गया रह रहे हैं है? राम जी घर में रह रहे हैं आराम से तो सबके घर में झंडे लगवा दिए भगवान ने मेरे नाम के झंडे लगा दो मेरा नाम लो है श्री राम जय राम जय जय राम तो जब श्री राम जय जय राम करोगे भगवान का नाम लोगे तो हनुमान जी खुश हो जाते देखो मेरे भगत का नाम ले रहे हैं तो हनुमान जी जो हैं हनुमान जी भी राम का सभी भगवान को याद करना चाहिए ऐसी बात नहीं भगवान भगवान ज्योत जब हम भगवान का नाम लेते हैं राम राम बोलो कीर्तन करो कुछ भी करो तो अंदर भी ज्योति जलती है अंदर भी अंदर परमात्माएँ है, रहते हैं है अंदर आत्मा है परमात्मा खुश रहते हैं अंदर ये नहीं आत्मा है, जो है ये आत्मा ही जो परमात्मा है अंदर जो है ये आत्मा है ज्योत जलती है अंदर भी इसका ध्यान रखो अपना मन साफ़ रखो पवित्र रखो इसमें सब कुछ ऐसी कोई बात नहीं मन को साफ रखना चाहिए मन की भावना को साफ रखो कोई आ रहा जा रहा तो कोई सब शांत किसी को दुख नहीं किसी को कष्ट नहीं भगवान सबको राजी खुशी रखे सबको अच्छा रखे अब हम जो है आपको बोल रहे हैं सुना रहे हैं बता रहे हैं ये आपको जो भी हम कुछ कहेंगे सच कहेंगे आप जो है भोले बाबा को सुबह उठ के जल चढ़ाओ मत्थर टेको हैं ओम शिवाय भगवती वासुदेव ओम नमः शिवाय भगवती वासुदेव ओम नमः शिवाय भगवती वासदेव इस चीज़ का नाम जपो या राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम ये जपो है कोई आपको कोई मंत्र है भगवती वास्ते भाई या जो है कि भगवान किसी भी रूप में किसी भी चीज़ में नाम लेना चाहिए आपको ना यार आप नाम लेना है तो नाम जपे करो किसी चीज़ का नाम जपना है भगवती वास्ते भाई ओम नम शिवाय भगवती वास्ते भाई ओम नमो ओम नम शिवाय भगवती वास्ते भाई ओम नम शिवाय भगवती वास्ते भाई हैं अब बम बोल जो है नीलकंठ महादेव की भोले बाबा हैं राम जी का नाम लो परमात्मा का नाम लो अगर हाँ कोई कष्ट है दुख है हाथ में दर्द है सिर में दर्द है तो आप बता सकते हो जड़वा सकते हो है? मैंने किया मैंने तो हा, हा, हाथ लगाना है भूख मारनी है भगवान सबको खुश रखेगा ठीक रखेगा ठीक है नज़र है नज़र लग जाती है तो आप जो है सात मिर्च लेके आना झड़ जाएगी ठीक है हाँ कोई भी दिक्कत है कोई परेशानी नहीं है सब ठीक हो जाएगी ठीक है किसी चीज़ की दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं जी। मैं ठीक है भगवान आपको खुश रखे ठीक ठाक रखे मैं तो मेरे पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा रहता हूँ नगर पालिका वाले मुझे जानते हैं अगर कोई बात है तो उनसे अगर मैं ना मिला मैं कहाँ जाऊँगा या तो गंगा जी जाऊँगा या फिर मार्केट जाऊँगा मैं दो ही जगह जाता हूँ बाकी और कहीं नहीं जाता